थाना मटेरा के ग्राम मझौला निवासी वेद प्रकाश चौधरी पुत्र ओंकार नाथ चौधरी उम्र लगभग 12 वर्ष जो कक्षा 5 का छात्र था 29 तारीख को ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने घर से निकला था। जो वापस ट्यूशन पढ़कर वो घर नहीं लौटा। इस संबंध में परिजनों की सूचना पर 29 तारीख को ही FIR पंजीकृत कर लड़के की सकुशल बरामदगी के लिए टीमें गठित की गई थी। जो प्राप्त सूचना के अनुसार कल थाना मल्लीपुर के टणवा क्षेत्र से राबिया पत्नी नौशाद के घर पर दबिश दी गई, जिसमें राबिया को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि कलीन पुत्र हसन मोहम्मद निवासी मझौली थाना मटेरा इस लड़के को लेकर मेरे यहाँ आया था और कल दिन में 11 बजे अर्थात 30 तारीख को दिन में 11 बजे उसने और इसरार ने इस लड़के को मार के शव को कहीं छिपा दिया। इस सूचना पर इसरार की तलाश की गई, जिसे पकड़े जाने पर शव को बरामद कराया। हम हत्या का कारण जानने के लिए इसमें इसरार, ताहिरा, राबिया और अली हसन को हिरासत में लिया गया है। साथ ही कलीम की गिरफ्तारी के लिए अलग टीम गठित की गई है। इस प्राप्त सूचना के अनुसार दोनों पक्षों के बीच में पूर्व में कसीदगी तथा गांव में वेद प्रकाश चौधरी के पिता ओंकार नाथ के साथ दूसरे पक्षों की कसीदगी को भी ध्यान में रखा जा रहा है।